ये मामला ऐसा है कि जो अग्रवाल सोया एक्सपेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच एक कंपनी है, इन्होंने अन्य 36 जो फर्में हैं उनको शेल फर्जी फर्में बनाकर उनसे फर्जी डीओसी का व्यापार दर्शाकर लगभग 2 अरब रुपए का व्यापार दर्शाया है, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है। उसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। क्योंकि टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, तो टैक्स चोरी तो जीएसटी का मामला है या ईओडब्ल्यू का, इसमें नहीं, क्या? इसमें आपराधिक, इन्होंने चूंकि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है और शासन के साथ धोखाधड़ी की है, वो शासन को हानि पहुंचाई है, इसलिए आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया किसने गया। शिकायत करी थी सर, और उसमें भी उसकी भूमिका थी? इसमें कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत की थी और कपिल ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत की जांच के आधार पर ही प्रकरण हमने आगे जांच शुरू की। बाद में पाया गया कि अग्रवाल सोया के साथ कपिल ट्रेडिंग कंपनी भी उसमें मिली हुई है, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया इसमें गया। कुल कितने आरोपी हैं और अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें लगभग 80 आरोपी हैं भी वर्तमान में पंजीबद्ध हुआ, जिनमें फर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए कितनी हैं, इस फर्म है सर? लगभग 36 फर्म है। अच्छा, इसमें ये होता है कितने करोड़ का ये घोटाला होगा, ये लगभग 1 अरब 98 करोड़ रुपए का घोटाला है। और अभी तक इनके खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? हमने इसमें गबन, धोखाधड़ी व कुटरचित दस्तावेजों के तैयार करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध इनकी किया। गिरफ्तारी कब तक होगी? अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगा, साक्ष्य संग्रहित करने के बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें? सर, अभी तो अपराधी आज पंजीबद्ध हुआ है, आपका पूरा नाम है? ठीक है, अनिल कुमार शुक्ला, निरीक्षक ईओडब्ल्यू उज्जैन।